हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल यूनिक डिश में स्वागत है। आज यूनिक डिश में हम लेकर आए हैं फूल गोभी से बना एक नया और टेस्टी नाश्ता। ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी नाश्ता बनकर तैयार होता है। आप इसे चाहे तो सेलो फ्राई करके भी बना सकते हैं, और आप चाहें तो इसे बिना फ्राई किए हुए भी स्टीम पर बनाकर आप इसे खा सकते हैं। ये नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी नाश्ता है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए हमने लिया है यहाँ पर एक ताज़ा फूल गोभी, जिसे हमने अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है। अब इसे दो टुकड़ों में काट लेंगे। अब इसे दो टुकड़ों में काटने के बाद इसे ग्रेटर पर घिस लेंगे। इसे घिसने के लिए बारीक वाले ग्रेटर का इस्तेमाल करेंगे। आप इसे चाहें तो चॉपर मशीन में भी आप इसे बारीक बारीक चॉप कर सकते हैं। तो अब हमने गोभी को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब इसे हम किसी बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि इसे हमने कितना बारीक ग्रेट किया है। अब इसमें डालेंगे एक कप बेसन, एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ टमाटर, एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ, थोड़ी सी धनिया की पत्ती बारीक कटी हुई, दो हरी मिर्च कटी हुई, एक छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटी चम्मच अजवाइन, इसे हाथों से क्रश करके डालेंगे। अब इसमें डालेंगे एक छोटी चम्मच जीरा, और उसके बाद इसमें एक बड़ा चम्मच दही डालेंगे। दही डालने से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब इसमें डालेंगे नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार ही डालें। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने इसे बनाने के लिए जो भी सामान का इसमें इस्तेमाल किया है, इसे हमें बाहर से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारे सामान हमें अपने ही घर के किचन में आसानी से हमें मिल जाते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसे और भी क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे आधा कप चावल का आटा। आपके पास अगर चावल का आटा ना हो तो आप इसमें सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसका मिश्रण हमें थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, तो इसमें दो छोटे चम्मच पानी हम इसमें और ऐड करेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसका मिश्रण हमने तैयार कर लिया है। अब इस तरह का एक ट्रे लेंगे। अगर आपके पास ट्रे नहीं है तो आप इसे थाली या प्लेट में भी स्टीम कर सकते हैं। इसमें ऑयल डालकर इसे चारों तरफ से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, ताकि इसमें मिश्रण हमारा चिपके नहीं। और अब हमने जो मिश्रण तैयार किया था, उस मिश्रण को इस ट्रे में डालेंगे। ट्रे में डालने के बाद इसे चारों तरफ से बराबर करते हुए इसे अच्छे से सेट कर देंगे। इसे हमें ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, नहीं तो स्टीम करते वक्त ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो अब हमने इसे अच्छे से सेट कर लिया है। अब इसे स्टीम करेंगे। अब इसे स्टीम करने के लिए हमने गैस पर एक बड़े बर्तन में पानी रखा है, और उसके ऊपर स्टैंड रखकर इस मिश्रण वाले ट्रे को रख देंगे और इसे ढककर 15 मिनट तक इसे अच्छे से पका लेंगे। अब इसे पकते हुए यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं। इसे टूथपिक की सहायता से चेक करेंगे। अगर इसमें मिश्रण नहीं लगा है तो ये अच्छी तरह से पक चुके हैं। इसे थोड़ी देर तक ठंडा होने के लिए रख देंगे, और ठंडा होने के बाद इसे इस ट्रे में से निकाल लेंगे। ये ट्रे में से बहुत ही आराम से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि हमने इसमें अच्छे से ग्रीस किया था। अब नाइफ़ में थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसमें कट का निशान लगाएंगे। इसे हमने पतला पतला काटा है। आप चाहें तो किसी और शेप में भी इसे काट सकते हैं।
हमने इसे चौकोर बर्फी की तरह इसका शेप दिया है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी इसे खा सकते हैं। इसके लिए हमने पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला है और इसे हम सेलो फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। गैस की फ्लेम को हम यहाँ पर मीडियम टू लो ही रखकर इसे फ्राई करेंगे। अगर इसे ज़्यादा तेज़ आंच पर फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से ये क्रिस्पी नहीं होंगे। अब इसे गोल्डन ब्राउन कलर होने तक दोनों तरफ से इसे फ्राई कर लेंगे। इसके किनारे को फ्राई करने के लिए थोड़ा सा ऑयल को साइड में करेंगे और इसे इसके किनारे को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब ये फ्राई हो चुके हैं, इसे प्लेट में निकाल लेंगे। तो अब ये गोभी का नया नाश्ता तैयार हो चुका है।